श्यामलाल क्या कर रहे हो तुम? बार बार धुआं मेरे मुंह पे कोई काल ले हो? अरे तुम्हें खूब पता मुझे धुएं से एलर्जी है। अरे धुएं से ही क्या, मुझे तो नशा से ही एलर्जी है। पता नहीं चाचा तुम्हारे होश ही ना आ रहे, धुआं बार बार मार रहे हो, मुंह पे को मार रहे हो यार। देखो चाचा नशा कोई सा भी हो शरीर के लिए साले खतरनाक है। देखो इस शरीर में चाचा गिनती का समय आने, लीवर और फेफड़े जो है दो दो ही है चाचा, और एक सबसे बड़ी मुश्किल बतलाऊं चाचा, अगर एक खराब होगा ना तो साला दूसरा उसके सदमे में दम तोड़ देवे। इसलिए चाचा देखो हम तो एक ही बात कहेंगे, नशा को बिल्कुल हाथ मत लगाओ, कोई सा भी नशा मत करो। अब देख रहे हो गला और सूख गया मेरा तो बतलाते बतलाते, लाओ एक बीड़ी पिलवा दो बस तुम। रखबीरिया खा कहे को कह रहे है रे, आजकल बहुत बच बच का चल रही है, बोस लगा सड़क रोम ने जो ठीक ठाक लगाम का सराखी दीख है। श्याम लाल और थारी मजाक करने की आदत गई ना अभी। ओए मां मेरे श्याम, या बोझा सिर पर धर के काहे को भोजन मर रही है, नीचे धर दया मैं उठवा दूंगा, जस पहले उठवाए कर 77 में याद तो भूल गई। श्याम मुझे जाने दे, मेरा छोटा पोता आर्यन रो रहा होएगा। अरे तू काय दिन जो ना इन आर्यन हरे खिलास बिखिलास ही मर जाएगी, कर दिया समाज में टाइम दे देकर बोल लेकर हमारी गेल पे, हम उठवा देंगे दर दया। ओहो मेरे श्याम तू क्या माना, तू तो पूरी जिद्दी है। ओए मां मेरी कमर को मुंह तो लगा दो। ला भाई खालिद मेरे कैसे हिल भर दे नीचे को, ला थाने आ उठवा खाऊं, और मैं से लकरों लड़ाई को लड़ाई हो जाएगी बेचारी गल। चाचा श्यामलाल है रहते तुमसे भी है, जब तुम्हारे ना बस की तो काय को मुकदम बनी करो नुके जी, मैं उठवा दूंगा है। 77 में उठवाता था मैं, अब अपनी उम्र भी देख लो, लिहाज करे कि नहीं उम्र का है, शर्म ना रही है। चाची रघुवीरी तुम आओ मैं उठवाऊं, तुम्हारा आयरन रो रहा होगा वहां के, इस बूढ़े के चक्कर मारियो बतलाओ तुम, इसके तो धर्म ही मान ना। ऐसा खालिद भाई यार मैं श्याम हूं कुछ मत बोलो, मुझे हर्ट होता है। हाँ नहीं तो वाह खालिद, वाह भैया औखलनाकर धीरा से हो रो, तारे से बल्ले किंग है तू। चाचा देखो तुम्हारा भी वो वाला काम हो रहा, उम्र तो 55 और दिल 55। 55? ए चाचा मुहावरे के हिसाब से बोल रहा हूँ 55, वैसे तो तुम 80+ हो रहे हो। वाह खालिद सिरवा जो घुमेर से चढ़ रही है कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा यार, वो ठाए के तो खाट पर गिर दे यार। चाचा करो तो तुम आराम करो, मेरे थोड़ा पेट में दर्द सा बनना, चल रहा हूँ मैं जरा। मैं देखो चाची तुमसे लगाव इतना ज्यादा हमारा घर परिवार का आने जाना है चाची खूब, हमको तो तुम भी ऐसे ही हो और हमारे चाचा भी ऐसे ही है, पर देखो हमें चाचा की एक बात अच्छी ना लगी, कभी तुम नु कहोगी भाई तू खाली तू तो इधर की उधर लगावे, पर देखो मैं लगाने वाली बात तो कहना रहा हूँ, ताई रघुवीरी आ रही कल, कल के आ रही, अब चाचा टोक के बैठकर बतला लगा बता, इस उम्र में अच्छा लगा इन तरह की बातों को करता है, तुम्हारे कल को पोते भी हैं उनकी शादी भी, हम परेशानी ना आएगी इस तरह की हरकतों से, पर देखो चाची ये वाली बात हमारे अंदर है और अंदर ही रहेंगी, हम ना बताएंगे तुम्हें कतई भी कि चाचा रघुवीरी ताई से कुछ इस कदर उस तरह की बातें कर रहा, देखो इससे झगड़े बनते हैं, मैं तुम्हें बतला दूंगा तुम चाचा से करोगी झगड़ा, इसलिए चाची हमारी तो देखो यही, हमारी अम्मी भी ये कहती है, अम्मी ने सिखाया मुझे किसी की घर की धन ना लगाते हैं बेटे खालिद, इसलिए चाची देखो मैं तो यही कहूंगा हमको तो चाचा भी इतना ही और तुम भी इतनी हो, इसलिए कुछ ना हुआ चाची, मेरे तो ऐसे पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारे हाल चाल जानने आगा, ऐसा कुछ ना हुआ चाची, पियो तुम भरो घूट चाची, चल रहा हूँ मैं थोड़ा चल रहा हूँ। भाई तो खालिद भी जो है ना सो गई है, सारी बात बता जामो, पेट पाप नहीं है कतई भी आके, पर बताओ ना आज कैसे पेट में दर्द बता रहा हूँ। लेगी डायन मेरे घर के नौ से उत्ती, यही मारा आइक रही हूँ, मीठी बन के आइक रही जब तो,
एक कुत्ता बुड्ढा है को हमारे घर भी। यही मारा चिलमिया की खेत पर सिलके कर रही हूँ, वो ना पता ही। अब तो मैं ही कहती रहूंगी, तुम भी कुछ कहोगे ना तो वो चुप कर रहे ना कुछ कह रहे। तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, बाबा को अब माँ के पास ला ना सकेंगे। बाबा को तो मिल गई रघुवीरी अपनी, भूल गया जालिम बाबा अपनी पत्नी। ओ बाबा रे, ओ बाबा रे, बाबा रे, बाबा। होते हो तुम चुप हो जाओ, मेरा दुख है मैं ही रहूंगी। रे कैसे रंभारिया बैठी हाँ? ए बाबा तुम अभी खरक में गुजाओ, अभी माँ को दिमाग खराब का ही बात है लेके। और बात तुमसे जुड़ी हुई है, कभी बाद में कहो मुंह बताई। यू रे काटा आने वाले खतरा क्यों हुआ? घंटी घंटी कदी फिर को बतलाई नहीं। घंटी खरक कहा बतला रहे बताना, भूखे पेट ही चला जाओ। रोटी ना बनाई अभी तक? रे तेरे बाप ने होटल खोल रखा के? रावण तू याद के बोल था ना? रखवा रखो खोपड़िया नीचे कर ले, वो सिमा लिया था, मैं गर्म होऊंगा, पकड़ लीजिए मोह था ठीक है। रे तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं ठोकरा फेंकने की? मैं फसाना कितना बड़ा बदमाश हूँ मैं, फैल हट जा रहा, छोड़ दे वो छोड़ दे बोल। ए भाई बदमाश, कितना बड़ा बदमाश है तू, गोली इनते तो मर जाएगा ना मरा गोली इनते भी, तेरी ये बदमाशी है एक मिनट में लिखाट दूंगी। अति बड़ा खड़ा बड़ा दादा। बाबा तुम संभाल लो अपने आप, समझे करा घर की बात है, होशियारी तो कौन लो। अरे होशियारी तो कुछ कौन ले रहा हूँ, बगल में बहुत भागू मैं, हट जा हट जा। अरे माँ घर के मामले में हथियार इस्तेमाल नहीं करते मोदया। तू ही बता कहाँ करूँ यार मैं। जब तक अपडेट तो देना पड़ेगा कोई समाज में ना देना। हाँ सही कह रहा हूँ। तू इंगा का फोन पकड़ तन्ना क्या सूद ना बैठे सही ले। चालू राग कतई छोटी सी दादी मारी रेख रही है, बाबा लिकड़ो बेवफा मारो नू कह रही है। कैसे समझाऊ माँ है कैसे बतलाऊ, फोन पकड़ मुँह तेज लग रही है, घूसा लगेगा मुँह पे यू लाइव चल रही है। तेरे लाइव के चक्कर में लिकड़ जाएगी मेरी चड्डी फट रही है। बतलाओ यार मुझे तो सुन के ही हैरत हो रही है, कहना कराए इस भले आदमी ने चाची के लिए। बतलाओ बेटा खालिद, वो तो याद होएगी ना, तू तो बालों को बाटे जुबानी में बेरिया पे कोटेन में बड़ बड़ के बेर तोड़ तोड़ खवाया, कटाई हो गई गेहूं की एक दिन खेत में ना जाओ गंदी, ऐसे लाड़ पार करे मैंने यहाँ पे। तू ही बता चाचा, जब तो तुम्हें टोकरे की मार मिल रही है। चाचा एक बात बतलाऊं तुम्हें, इतना लाड़ प्यार जो हो ना सही ना होता, अब हमारे रुखसाना पीठ पीछे भी मेरी बुराई ना कर सके। क्या कह रहे हो तुम, सामने की तो भूल जाओ, जबान ना खुलती उसके हमारे सामने। अरे खालिद हम भी अपने टाइम के बहुत बड़े बदमाश है, चौहो कर निकल जाए पब्लिक डायरेक्ट रही, पर भैया आके प्यार में सब त्याग दिया हमने तो यकीन ना आ रहा, अपने अब्बा से पूछ लीजो सब बता दे वो सही सही। ये चाचा तुम इस बात को छोड़ो, अब्बा से पूछी मैंने इस बारे में, अब्बा तो ये बतला रहे कि चाची के पीहर वाले आए और तुम्हारी थूत पीट कर गई बहुत तकड़ी वाली, जब छोड़ी तुमने बदमाशी। अरे भैया अफवाह मेरी अफवाह सब गलत है। चलो चाचा ये बात मैंने मान ली, जो भी अब अफवाह या हकीकत, इस बात से अब जो हो रहा है तुम्हारे साथ वो तो बदलने से रहा, अब तो तुम्हारी गांव समाज में पूरी बदनामी हो गई, कहीं जितना रही है गांव में तो ये तक बात चल रही है कि श्यामलाल के धोरे मत बैठो, उसके घर में इज्जतना। पर देखो चाचा अपने सम्मान के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता, वो घर में हो या घर के बाहर हो,
अब तुम इसमें जो तुम्हारे साथ हुआ टोकरे पोकरे तुम में बाजे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, देखो अब क्या करने चाह रहे हो तुम? भैया खालिद कहा चाहते उसका मौन नहीं रही, बरबर बैस रही है बरबर, पता ही नहीं मौननी। मैं तो भैया न्यारा होऊंगा, अब अभी चलते हाथ पा मैं खूब खाक मार लूंगा और दलिया बनाना मुझे आवे। दे बदलाओ यार, मैं तो सुन के ही हैरत में हूँ, वे कहने कराए भली बीरबानी ने उस चाचा के लिए हैं? अरे जब चाची को चाचा की सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्या कहता, नुके मैं तो न्यारा होऊंगा है, शर्म लिहाज नहीं उस बूढ़े आदमी को ऐसे शब्द बोलते हुए हैं? ए चाची तुम एक बात बतलाओ, तुमने ऐसा कभी कराया कि जिसे चाचा का दिल दुखा हो हैं? और तुम्हारे लिए आज क्या करा उन्होंने, भरे समाज में भरे और जात में तुम्हारी बदनामी हुई है हैं? नुके रघुबीरी के साथ है क्या क्या बातें बन रही हैं बतलाओ हैं? हे चाची हमें सुनकर शर्म आ रही है, और अगला ये और कह रहा कि न्यारा होऊंगा है, न्यारा होएगा ही बूढ़ा आदमी। बताओ किस घर में झगड़े ना होते हैं चाची, एक बात बतलाओ किस घर में झगड़े नहीं है हमारे घर को छोड़ के बतलाओ? चलो हमारे घर में ना होते हैं मानते हैं, हम समझदार इंसान, पर घर गैल चाची झगड़े हो रहे हैं और चाचा नखद को देख रही हो, तो कह न्यारा होऊंगा है। भाई किस तरह न्यारा हो भाई, तेरे दो पोते एक तेरी बीरबानी है ये ना रखी जा रही है। अब देख ले खाली तू कैसी कैसी बातें बना रहो, अब मिल लिया ना रघुबीरी डायन कोई पोपो का खवा दे गया, हो जानते न्यारा हो रहा तो हमारे भी चलते हाथ पाँव में, हम भी पो का खा लेंगे, हम ही कब भूखे मर रहे हैं जब हो रहा तो हो जानते। बस चाचा श्यामलाल फाइनली है बिल्कुल, अब न्यारे हो गई रहोगे। अब सब ही बताओ प्रधान जी, और कहा करूं, आज तो ठोकरा मारो कल को ईट भी मार सके, बूढ़ी हड्डियां कौन तक झेलेंगी, हमें तो तुम न्यारे करवा दो बस। चाची अब तुम बताओ चाचा तो न्यारा होना चाह रहा हूँ। ए प्रधान जी अब तो ये हो गई न्यारा, क्या रघुबीरी जब पोपो खवा देगी उतनी बिगड़ेल। अरे प्रधान जी देख रहे हो, अपने घर की लड़ाई में हमारे बहू का नाम घसीट रहे हैं। बस सेलख रहो मेरे दोस्त मेरे जिगरी, तू उठाओ मत हो भैया, तू यहाँ को आ जा सेलख मैं को आ जा। अरे श्यामलाल तू चुप बैठ जा, तुझे मैं पीछे देखूंगा। बस देख लेगा अभी देख ले, अभी यहीं बैठा हूँ, आ जा देख ले। चाचा श्यामलाल लड़े ना करते हैं, चुप लगाओ, आप समझदार आदमी हो सामाजिक आदमी हो, समझदारी से काम लो। ऐसे लग रहा तू कहाँ देखा गया, या तो मैं सुधार लूंगी, तू अपनी बार रघुबीरी डायन सुधार ले पहले। प्रधान जी हम चल रहे अपने घर को, तुम्हारे सामने बेइज्जती हो रही है। और एक बात और, वोट देना तो मैं हमारी बहू को ऐप लगा रहे हो। चाचा श्यामलाल जब नौ बीच रही तो हो न्यारे। भैया सुनील। हाँ जी प्रधान जी। भैया मो तो ब्लॉक में कौन है, मैं तो ब्लॉक में जा रहा हूँ, इनके नारे होने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ठीक है प्रधान जी। हाँ चाचा जी, तुम्हारा और चाची जी का सारा बंटवारा हो चुका है, मेरे हिसाब से तो अब कुछ बचा नहीं है। हाँ जी छोटे प्रधान जी हो, देखे तुमने हमारा सारा सामान सट्टो मामे और दादा में बोट मारो, हम कौन जाएंगे दोनों, हमारा का होएगा? हे तो तुम्हारा का होता दोनों का, तुम तो मेरे धर रहोगे। अब छोटा प्रधान हम बावड़े बैठे हैं, यही धोर रहेंगे जो हमारे पोते हैं हमारे धोर रहेंगे। अरे अमन तुम ऐसा करो, तुम चाचा के पास रह जाओ और नितिन चाचा के पास रह जाएगा। मैं ना रहूं बाबा के धोर प्रधान जी। अरे क्यों? क्योंकि प्रधान जी बाबा जो है ना बस दलिया बना बना खावे और दलिया से लग जाए मेरे दस्त, हम तो अपने माँ के हाथ की खाएंगे रोटी और रहेंगे एकदम मस्त। अरे नितिन बेटा तुम रह लो चाचा के पास। प्रधान जी मैं नहीं रह पाऊंगा बाबा के पास, मेरे तब भी दस्त लग रहे हैं, पतड़े पतड़े जा रहे हैं और बाबा की ओर तो लेटरिंग भी ना। अरे मैं तुम्हारा झगड़ा खत्म कर देता हूँ। अच्छा मन आल चाहिए सूख चाहिए तुम्हें? मैं सूख लेंगे सूख मैं आलो। अरे अमन सूख आ गया, तुम चाची के पास रहो और नितिन तुम चाचा के पास आ जाओ। मेरे पोते आ, हमारा तो नसीब ही खराब है, हमारा तो जीवन ही लैटरिन बैठे बैठे लिकट जाता दिखे। ये कलिया ये चौबारा
यहाँ आना ना दोबारा के तेरा यहाँ कोई नहीं। आ मत जाइए बुड्ढे, नहीं तो ईट से तेरा सिरा फोड़ दूंगी। छोड़ दिए वो रास्ते जिनसे तुम थे गुजरे, राम राम जी सब है। दोस्तों कैसे हो सब, उम्मीद है ठीक होगे। लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करके अभी जाइए ना, कभी पीछे के लिए रह जाओ ना, पीछे करूँगा। और भैया कमेंट करके जरूर बताइए अगर कोई कमी पेशी हो, कैसी लगी तो मैं कमेंट में बता दो। देखो यूट्यूब तो करना रही कतई भी मदद, वो तो छो ही बैठी है। मैं हूँ थारे भरोसे और तमको यूँ मेहनत चल रही है और चलती रहेगी। या हमारा भैया प्यार और सपोर्ट दो, शेयर मारो दबा के अपने रिश्तेदारों में, मामों का, फूफी का, सब का, और यार दोस्तों में तम कर ही दो खैर। और मैं और कह रहा हूँ, देख मैंने एक चैनल और बना लिया, वो गाने इनका चैनल है, वैसी हिडक सी मारे कर रही तो मन के लिए अपने एक और बना ले, तो तुम देखे वहाँ और सपोर्ट कर दीजिए। चैनल का नाम है देसी म्यूजिक फीवर कॉम, वहाँ भी बढ़िया मिल जाएगा पुख्ता एकदम। तो भैया राम राम, अपना ख्याल रखें और हमें सपोर्ट करिए।